हमारे पास हो जाएगा। कमीशन बढ़ाने की मांग, और जल्दी ही कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कमीशन बढ़ाने पर भी विभाग विचार कर रहा है। अभी जल्दी हम डिपो होल्डर्स की मीटिंग भी, जो उनकी बॉडी है प्रदेश कार्यकारिणी की, उनके पदाधिकारियों के साथ जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, और जितना जहाँ संभव होगा, जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में पहले से ही कमीशन, अच्छा कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ कमी होगी उसका, उस पर पुनर्विचार किया जाए और उस पर उनकी बात पर गौर की जाए। सर, आजकल इलाके की जो सेब से जुड़ा मामला है, तो किसान सभी राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर आ रहे हैं। अब वो आंदोलन की जैसे 13 तारीख को, फिर 27 को एक आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रयास कर रही है कि भी जो सेब बागवान है वो इस तरह के बहकावे में ना आए, उनको आप कोई ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि जिससे वो संतुष्ट हो? देखिए, ऐसा है, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इन 3.5 सालों के अंदर जो है वो 2.5 रुपये जो है MIS खरीद करने के लिए बढ़ाए। ये पहली बार हुआ है इतिहास से। 2007 से 12 तक कांग्रेस की सरकार रही तो केवल 50 पैसे बढ़े, और हमारी सरकार जो है अभी तक उसमें 2.5 रुपये की बढ़ोतरी की है अभी तक, और एक सबसे बड़ी बढ़ोतरी आज तक ये किसान बागवानों के हित को देखते हुए ही की। हमारी सरकार बागवानों के प्रति संवेदनशील है, उनके जो दिक्कतें हैं उनके प्रति चिंतित भी है, और हमेशा जो है, क्योंकि बागवानों का हमारी प्रदेश की आर्थिकी के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, और ये उनकी सेफ्टी करना सरकार का फर्ज है, और सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और कुछ लोग जो हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो आज राजनीति कर रहे हैं, जरा वो बताएं कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। चाहे एंटी हेल नेट की बात हो, चाहे एंटी हेल गन की बात हो, और आज उनका समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें आज जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो बताएं कि उन्होंने क्या किया बागवानों की, हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं। और ये मार्केट में दाम की जैसे बात आ रही है, तो अभी इसमें सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। इसमें भी 1.5 करोड़ पेटी हमारी लगभग मार्केट में चलेगी, और इतनी ही और जाएगी, और इसमें सुधार हो रहा है। सरकार इसके लिए कर रही है जो भी करना है, लेकिन आज राजनीति इसमें कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदलता है तो आवाज़ें भी बदलती हैं। बागवान ये मांग कर रहे हैं, जैसे J&K में जो रेट है हिमाचल और J&K, तो 4-5 गुना डिफरेंस है जो वहाँ MIS के तहत जो रेट देते हैं, और ग्रेड वाइज वहाँ मिलते हैं ABC, जैसे A ग्रेड का 60 से ऊपर रेट है यहाँ। तो हमारी सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया हिम की योजना के तहत, गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, तो उसको 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना चलाकर जो है ये सुविधा प्रदान किया। एक परिवार के 4 और सदस्य, यानी एक परिवार में कुल 5 सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा 5-5 लाख रुपए का कवर करना ऐतिहासिक कदम प्रदेश के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एक बेसहारों के सहारा बनकर जो है ऐसे मुख्यमंत्री उभर कर आए। पंचायत में 3-3 महीने का राशन भी नहीं मिला है, यहाँ पर उदाहरण है भरावली पंचायत, यहाँ पर 3 महीने से राशन ही नहीं मिला जनवरी फरवरी माह, और ना भी उसके लिए कोई व्यवस्था की गई कि भाई आपको कंसेप्ट किया जाएगा या नहीं। देखिए, अभी हमारी विभाग की यहाँ बैठक संपन्न हुई, मेरे सामने तो किसी ने ऐसी बात नहीं कही कि ऐसी कोई दिक्कत आई, लेकिन आप बता रहे हैं तो संज्ञान लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमारा विभाग तो स्पष्ट निर्देश है कि हर महीने की 10 तारीख को कम से कम गोडाउन तक तो सामान पहुंचना चाहिए, उसके बाद गोडाउन से आगे डिपो तक सामान पहुंचना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट निर्देश है।
और इसमें अगर कोई कोताही होगी तो विभागीय अधिकारी उसके लिए भी जो आपके राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कहीं दुर्गम क्षेत्र कोई हो सकता है जहाँ पर एक्टिविटी ठीक नहीं हो रोड की, वो एक अपवाद हो सकता है। दुर्गम क्षेत्र नहीं है यहीं रोड, लेकिन 3 महीने तक राशन नहीं मिलना यहीं इस बात को तो हम मान नहीं सकते, यहीं पर ये नहीं हो सकता। सर जिस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग आम आदमी गरीब आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, सबसे अहम विभाग है, तो जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिलेंडर 900 के पार होने वाला है और तेल महंगा हो गया है, तो गरीब आदमी उसके पास इनकम सोर्स तो उतने नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इस बारे में क्या आपका क्या कहना है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खाद्य तेलों में भी वृद्धि थी उसके लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो हमारे गरीब परिवार हैं जो BPL में आते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं, कैसे जिनको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो आते हैं परिवार, उन सबको सरकार की ओर से